अभीरा के सामने खुलेगा माधव के 30 साल पुराने अतीत का राज और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ रोहित के मिसिंग होने के बाद मानव टूट के बिखर चुका है और उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी वो अपने बेटे रोहित का पता नहीं लगा पाया और ना ही उसे ढूंढ निकाल पाया। तो वहीं माधव को याद आने वाला है 30 साल पुराने हादसा, जहां माधव को याद आने वाला है कि एक एक्सीडेंट केस जो कि अक्षरा के रिगार्डिंग केस था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभिमन्यु और अभीर की डेथ हुई थी सालों पहले, जब अक्षरा मंदिर में अभिमन्यु से शादी करने जा रही थी और इसी दौरान एक हादसा हो गया था क्योंकि वहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गई थी, जहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया था जिसमें माधव गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वही माधव अभीरा से इसी केस की रिगार्डिंग बात करते हुए नजर आएगा। तो वही दोस्तों, क्या अभीरा को पता चल जाएगा उसके पिता और भाई के बारे में? क्या अभीरा ये जान पाएगी कि उसका भाई जिंदा है और उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले, और ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी जिसे माधव निभाने में चूक गया था? ये सारे खुलासे जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।